नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिट्रियासिस रूब्रा पाइलोरिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीमारी क्या होता है, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। पिट्रियासिस रूब्रा पाइलोरिस बहुत लंबा ही नाम है। तो ये क्या बीमारी है? ये एक रेयर क्रॉनिक पैप्यूलोस्क्वामस डिजीज स्किन का होता है। तो चलिए जानते हैं एक एक टर्म का क्या मीनिंग है। रेयर मतलब बहुत कम पाए जाने वाला, क्रॉनिक यानी बहुत लंबा चलने वाला, पैप्यूलोस्क्वामस यानी पैप्यूल बोलते हैं साइंस में, छोटा छोटा दाना दाना को पैप्यूल बोलते हैं, और स्क्वामस मतलब आपके स्किन में जो छोटा छोटा स्केल्स निकलता है, पापड़ी निकलता है, उसको हम साइंस में स्क्वामस बोलते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के स्किन में पहले क्या होता है, छोटा छोटा फॉलिकुलर पैप्यूल होता है, बाल के जड़ से कांटा कांटा छोटा छोटा दाना देखने को मिलता है, और ये दाना रेड कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, कभी कभार येलो यानी पीला कलर का भी हो सकता है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे जॉइंट होने लगते हैं और एक बड़ा सा प्लाक यानी चकत्ता बनाते हैं। यानी जैसे आप सूर्यसिस में स्किन का प्रॉब्लम देखते हैं, पहले मेरा बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का क्या रीजन है, एग्जैक्टली इस बीमारी का क्या कारण है किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जाता है कि जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक यानी अगर एक जीन का म्यूटेशन होता है जिसका नाम है CAR14 जीन, ये जीन का म्यूटेशन से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी का पापा मम्मी का ये प्रॉब्लम है तो बच्चा का 6-7% चांसेस होने का, ऐसे पूरा 100% नहीं है, इसलिए डरने वाला कोई बात नहीं है। माइनर इंजरी यानी छोटा मोटा चोट लगने के बाद और ईवी एक्सपोजर यानी धूप के कारण से भी ये कभी कभार शुरू हुआ है और हो सकता है। तो क्या ये बीमारी अकेला ही रहता है? नहीं, इस बीमारी के साथ और भी कुछ एसोसिएटेड बीमारी रह सकता है, और कुछ दूसरा बीमारी भी इस बीमारी के साथ बदन में यानी बॉडी में रह सकता है, जैसे कि सीलिएक स्प्रू, ये एक अलग बीमारी है जिससे आपका डायरिया होता है, और हो सकता है HIV, ये भी हो सकता है, और एक होता है मायस्थेनिया ग्राविस, ये मसल का वीकनेस वाला बीमारी है। इस बीमारी में आपका मसल पूरा वीक हो जाता है, डोले सोले कमजोर हो जाता है, इसको मायस्थेनिया ग्राविस बोलते हैं। और एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस यानी जॉइंट में आपके जोड़ों में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, इसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। कभी कभार कार्सिनोमा यानी कैंसर के साथ भी बीमारी देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा कैंसर? जैसे लीवर का कैंसर, लंग का कैंसर और आपका किडनी का कैंसर। और बच्चों में ये बुखार के साथ साथ देखने को मिल सकता है, नहीं तो बुखार होने के बाद बच्चों में ये सब बीमारी पहले भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो सकता है। तो ये कौन सा एज ग्रुप में, कौन सा उम्र में ज्यादा पाया जाता है? इसका तीन एज ग्रुप है। फर्स्ट एज ग्रुप होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी 5-10 साल की उम्र में ये देखने को मिलता है, नहीं तो सेकेंड वाला जो पीक एपिसोड होता है वो होता है 11-19 साल के अंदर, नहीं तो एडल्ट टाइप जो होता है बुजुर्गों में जो मिलता है वो होता है 40-60 साल की उम्र में ये पहली बार देखने को मिल सकता है, इसको एडल्ट टाइप PRP बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, पहले हमने ऑलरेडी बताया है आपको, पहले जब ये शुरू होता है स्काल्प से, सर से शुरू होता है, तो पहले नॉर्मल डैंड्रफ से कंफ्यूजन करता है, आप पहले डैंड्रफ का शैम्पू लेके लगाते हैं, अगर ठीक नहीं होता है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अर्ली स्टेज में वो भी सोचते हैं शायद सेबोरिक डर्मेटाइटिस है यानी डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये नीचे यानी ट्रंक में, बदन में आता है, और लास्ट में आपके हाथ पैर में ये अफेक्ट करता है। तो दोबारा चलिए डिस्कस करते हैं कि स्किन में जो रैसेस है, जो PRP यानी पिट्रियासिस रूब्रा पाइलोरिस में देखने को मिलता है, इस रैसेस को आपका जो स्किन का डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं। पीआरपी में जैसे हमने बताया है, पहले छोटा छोटा दाना फॉलिकुलर रीजन में स्टार्ट होता है यानी आपके जहाँ पे हेयर होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है, और ये पिंक कलर का नहीं तो येलो कलर का होता है यानी पीला नहीं तो लाल कलर का होता है, वो धीरे धीरे क्वालेस होता है यानी धीरे धीरे जॉइंट होता है, फिर बड़ा सा प्लाक चकत्ता बनाता है, और पूरा बॉडी को कभी कभार अफेक्ट करता है, और बीच बीच में छोटा छोटा जगह को स्पेयर कर देता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग। जैसे तो वैसे आप पूरा स्किन रैस को समुद्र सोच लीजिए, और बीच वाला जो खाली जगह है, जो नॉर्मल जगह है, उसको आइलैंड सोच लीजिए। तो वैसे ये टिपिकल क्लासिकल साइन होता है पीआरपी वाला बीमारी में। जब शुरू होता है तो जो इतना सारा काटा काटा दाना रहता है ना, तो उसको नटमेग ग्रेटर भी बोलते हैं। नटमेग ग्रेटर यानी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं फोटो, वैसा वाला फीलिंग होता है, ऐसा वाला दिखता है। तो ये धीरे धीरे जब हाथ पैर को अफेक्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है, हाथ एकदम मोटा होने लगता है, हाथ का हथेली और पाँव का जो तलवा यानी सोल होता है वो एकदम मोटा होने लगता है, इसको केराटोडर्मा बोलते हैं, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पीआरपी सैंडल। नेल भी अफेक्ट होता है, नेल धीरे धीरे पीला हो जाता है, ब्रिटिल यानी कमजोर हो जाता है, टूटने लगता है और मोटा हो जाता है, मोटा रहता है लेकिन
कमजोर वाला नेल रहता है। ओरल मिकोसा यानी मुंह के अंदर में भी अफेक्ट कर सकता है, जिसे ओरल लाइकन प्लांट्स में देखने को मिलता है, आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और क्या हो सकता है पेशेंट को तकलीफ, बर्निंग यानी जलन हो सकता है और खुजली हो सकता है। तो ये है क्लिनिकल फीचर पीआईपी वाला पेशेंट में। तो ये कितना टाइप का होता है, ये 6 टाइप का होता है, जैसे फर्स्ट होता है क्लासिकल अडल्ट टाइप, सेकंड होता है एटिपिकल अडल्ट टाइप, थर्ड होता है जुवेनाइल टाइप, फोर्थ होता है सर्कमस्क्राइब्ड जुवेनाइल टाइप, फिफ्थ होता है एटिपिकल जुवेनाइल टाइप, और लास्ट जो 6th वाला होता है उसको बोलते हैं एचआईवी एसोसिएटेड पीआरपी। एचआईवी वाला पेशेंट में अगर पीआरपी देखने को मिलता है, उनके साथ साथ एक एक्निक कंग्लोमेरेटा का बीमारी देखने को मिल सकता है और हाइड्रेनाइटिस सुपरिडुआ का बीमारी भी एक साथ देखने को मिल सकता है। ये मेरा चैनल में आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि और सारा ऐसे भी स्किन का बीमारी है जो देखने में एक जैसा लग सकता है। फर्स्ट क्या होता है, सूर्यसिस होता है, ये एकदम वैसा दिखने को लग सकता है। फॉलिकुलर इक्थासिस नामक एक बीमारी है, वो भी ऐसा दिख सकता है। इरिथ्रोकेराटोडर्मा बोल के एक बीमारी है, वो भी ऐसा दिख सकता है। और एक होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये सारे बीमारी एक जैसा कभी कभार दिखने को लग सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है डायग्नोसिस करने में। उस केसेस में आपका जो डॉक्टर है आपका स्किन बायोप्सी करते हैं, यानी स्किन का छोटा सा टुकड़ा काट के लेबोरेटरी में भेजते हैं और उसका डायग्नोसिस कन्फर्म करते हैं। कभी कभार अगर कोई बायोप्सी के लिए राजी नहीं होता है तो उस केसेस में डर्माटोस्कोपी बोल के एक एग्जामिनेशन होता है, डर्माटोस्कोप रहता है, उसके थ्रू इसका डायग्नोसिस भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट होता है आपका स्किन में इतना सारा जो स्केलिंग होता है, यानी जो पापड़ी निकलता है, स्किन ड्राई हो जाता है, तो उस केसेस में बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाने के लिए डॉक्टर को देते हैं। अगर खुजली वुजली होता है तो उस केसेस में खाने के लिए एंटीहिस्टामिन या एलर्जी का टैबलेट खाने दे सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी है इसके लिए, ये होता है ओरल आइसोट्रेटिनोइन और ओरल रेटिनॉइड्स बोलते हैं। ओरल आइसोट्रेटिनोइन जो दवाई है, नॉर्मली हम पिंपल यानी एक्ने के लिए यूज करते हैं, यही दवाई इस पीआरपी बीमारी में यूज होता है। और इसका जो डोज होता है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से चलता है, और ये लंबा चलता है, इसे एक महीना दो महीना में नहीं होता है, लंबा चलता है। विटामिन ए सप्लीमेंट 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दिन में 3 बार देने के बाद भी देखा गया कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कुछ केसेस में ओरल मेथोट्रेक्सेट नामक एक दवाई है, उसको भी हम देते हैं, नहीं तो नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन थेरेपी होता है, यानी एक NBEBB लैंप रहता है या नहीं तो NBEBB चैम्बर रहता है, उसके अंदर भी पेशेंट को रख के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था डिटेल्स में पीआरपी डिजीज के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा बीमारी के बारे में जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते जय।